खुश करो खुश। क्या हुआ भाई? एक हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपके साथ हरिद्वार ऋषिकेश जर्नी की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये है 22 अप्रैल की वीडियो। अक्षय तृतीया है और हम लोग मॉर्निंग में हमने नीलकंठ महादेव के दर्शन कर लिए। उसके बाद दोपहर के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर राफ्टिंग के लिए। बच्चों ने इससे पहले झरने में भी खूब इन्जॉय किए थे। तो फ्रेंड्स राफ्टिंग के दौरान एक हादसा होते होते बचा और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। क्या हुआ था हमारे साथ ऐसा, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर राफ्टिंग की बुकिंग कर दी है हमने, तो बच्चों का अलाउ नहीं है। बच्चे नहीं जाएंगे, हम बड़े बड़े ही जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। और नाइट भी हो सकता है, कैंपिंग भी यहीं करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अपने ये डाल लिया है। अब बच्चों का अलाउ नहीं है, बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक है? बच्चे यहीं रहेंगे। हम 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, एक एडवेंचर टाइप कुछ। हाँ, बच्चों के एडवेंचर का कुछ है, वो इसमें करेंगे। तो हम लोग बड़े बड़े ही जा रहे हैं, सब लोग रेडी हो गए। हमको देखो, सब लोगों ने अपनी अपनी ड्रेस पहन ली है। तो फ्रेंड्स राफ्टिंग करने से पहले हमें एक वाटरप्रूफ लाइट वेट जैकेट दी जाती है जो कि डूबने से बचाती है, और साथ ही होता है हेलमेट और एक पैडल दिया जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। साथ में एक गाइड जाते हैं जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना होता है, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। छोटे बच्चे, बूढ़े या हार्ट के पेशेंट, किसी तरह के पेशेंट हैं, उन्हें राफ्टिंग अलाउ नहीं होता। फ्रेंड्स हम आ गए हैं रिवर किनारे और यहाँ पर देखिए सबकी वो लगी हुई है राफ्टिंग के लिए, रेडी हैं सब लोग और हमारी भी रेडी हो गई है। अब हम जा रहे हैं और साथ में हमने पानी की बोतल ले ली है और ये अपना चप्पू भी ले लिया है। तभी चल रहे हैं। हाँ जी, सब लोगों का पहले स्वागत। इसी बारे में मेरा नाम है सुखराम, ये जगह नाम है मेरे ड्राइव, एंड करेंगे हम शिवपुरी। तो ये पैडल राफ्ट है, इसमें हम लोग टीम वर्क के साथ जाएंगे। नहीं बोलेंगे मैं गाइड लेके जा गए, हम खुद अपने आप चले जाएंगे। चाहे एक बार किया, चाहे दो बार किया, चाहे 100 बार किया, ये सेफ्टी है। हम भी वैसे प्रोफेशनल हैं, तो हम भी लाइफ जैकेट इसलिए पहनते कि पहले सेफ्टी होती है। तो ये आपके पास 3 इक्विपमेंट है, लाइफ जैकेट है, हेलमेट और पैडल है। तीनों की अलग अलग खासियत है ये पैडल। तो फ्रेंड्स हम लोग राफ्टिंग बोट में बैठ गए हैं और राफ्टिंग वाले भैया ने काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हमको दिए, बहुत सी बातें हमें बताई, समझाई और फॉलो करने को भी बोला। तो हम उनके जैसे ही वो हमें निर्देश दे रहे थे, वैसे ही हम उनको हमें फॉलो करना था। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम था जब मैं राफ्टिंग के लिए जा रही थी, तो मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी राफ्टिंग के लिए, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम राफ्टिंग कर रहे थे तो डर तो लगेगा ही। हस्बैंड और बेटा पहले कर चुके हैं और जो उनके फ्रेंड हैं वो भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक न्यू कपल भी था जो हमारे साथ ही यहाँ पर बैठे थे, हमारे साथ ही बोटिंग में। तो फ्रेंड्स सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन कभी कभी हादसे हो जाते हैं और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ जिससे कि हम सभी लोग बहुत डर गए थे, और सच में मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। तो क्या हुआ था ऐसा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस यहाँ हमारी राफ्टिंग चल रही है, तो काफ़ी बड़े बड़े रैपिड आए थे बीच में जिसको देख करके भी डर लग रहा था, और बहुत ही इन्जॉय भी किया हम लोगों ने। तो इधर से लौटते हुए की वीडियो है ये। अब तो जहाँ पर रैपिड थे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना अलाउ था, और यहाँ पर हल्के रैपिड थे तो हम लोग भी भगवान का नाम लेकर कूद गए। क्या हुआ?
तो फ्रेंड्स अभी आपने आवाज़ सुनी, तो ये हमारे साथ जो कपल थे ना उनमें ये मैम थी, तो ये पानी में जैसे ही गई ना तो इनके नाक में पानी भर गया था, होपलेस हो गई थी और चिल्लाने लगी थी। और सच बताऊँ तो उस समय मुझे भी बहुत तेज़ डर लग गया था कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से, लेकिन थोड़ी देर में ही इनको थोड़ा हिम्मत दी और तो ये रिलैक्स हो गई और बाद में हंसने लगी। तो ये बहुत अच्छी हमारी फ्रेंड बन गई थी, राफ्टिंग के दौरान ही हमारी फ्रेंड बनी, ऐसा भी होता है। देखिए लोग रास्ते चलते चलते फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन ये पानी में हमारी राफ्टिंग में बहुत अच्छे फ्रेंड और सब्सक्राइबर बन गए। कैसे लग रहा आप लोगों को? ये लग रहा कितनी जल्दी ऊपर आए। बढ़िया लग रहा है, रेप्टी में मजे आए। आखिर में चामुन भी कूद ही गए। थैंक यू फोटो यार, मैंने भी जो मन नहीं थी। बहुत देर में आया तुम्हें विश्वास, जब ट्रिप खत्म होने पे आया उससे है? नहीं, विश्वास तो पहले ही था, लेकिन अब बस कूदने की हमारे नए वो आए। अच्छा लो लो इनकी बनाएंगे, ये हमारे ही बना लेना। ऐसा लग रहा है मैडम आपको बहुत अच्छा ही है, हमें लग रहा नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े पर्सन के साथ। मजा आया, रैपिड में मजा आया, खूब मजा करा हम लोगों ने, और ये भी टेढ़ा हो गया। इतने बड़े बड़े रैपिड आए थे ना, बस बहुत बढ़िया। ऊपर को थोड़ा सा निकल, देख 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 देख। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं राफ्टिंग करके, और यहाँ पर हमें गाड़ी वाले ने यहाँ छोड़ा है, और आगे हमें रूम पर जाना है जहाँ से हमने एंट्री करी थी ना, इसके लिए टिकट बनवाया था, वहाँ तक जाएंगे। और देखो कपड़े भी गीले हो रहे हैं, खूब एंजॉय किया सब लोगों ने, खूब मजा आया। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं राफ्टिंग करके, और हम अभी गीले कपड़ों में चाय पी रहे हैं, गर्मा गर्म चाय। और जो हमारे साथ के हैं ना, तो बच्चों को लेकर के गए हैं एडवेंचर पार्क में, तो बच्चे वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और अभी हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे कपड़े जो है उसी गाड़ी में हैं, तो जब वो लोग आएंगे तब हम चेंज करेंगे, और फिलहाल हम चाय पीते हैं। तो चलिए वीडियो को भी यहीं तक रखती हूँ, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाथ खाली तो बाय करो, मेरे हाथ में चाय, बाय बाय कर दो, बाय। हाँ कैसे लग रहा है? अरे तो फ्रेंड्स उधर कर रहे थे हम लोग राफ्टिंग, और बच्चों को भेज दिया था हमने एडवेंचर पार्क, तो बच्चे आ गए थे, जो बड़े थे उनके साथ ही आए थे, और कुछ लोग ने राफ्टिंग नहीं करी थी वही लोग बच्चों को लेकर आ गए थे, और काफ़ी बड़ा एडवेंचर पार्क था, और बच्चों को कहीं ना कहीं टाइम तो स्पेंड करना ही था, बच्चे इंजॉयमेंट के लिए ही आते हैं हॉलीडेज़ में, तो फिर बच्चों को अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे, और बच्चे बोर होते वो भी अच्छा नहीं लगता, और हम लोग इंजॉय करते, तो बच्चे यहाँ पर भेज दिए थे एडवेंचर पार्क में, बहुत अच्छा एडवेंचर। तो यहाँ पर बच्चों की वीडियो बना ली थी, तो वही छोटी सी वीडियो क्लिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए बच्चों के साथ साथ। तो फ्रेंड्स बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, और हम लोगों ने भी, दो दिन से हम लोग आए हुए थे और खूब इंजॉय किया, हरिद्वार भी घूम लिए, गंगा माँ के दर्शन भी कर लिए, नीलकंठ बाबा के दर्शन भी कर लिए, और यहाँ राफ्टिंग भी कर ली, बच्चों ने अपना इन्जॉयमेंट कर लिया। इसके बाद हम लोग गए रूम पर, तो रूम हमारा ऑलरेडी बुकिंग हो चुका था, तो रूम हमारा नहीं मिला, और हमने और फिर रूम ट्राई भी नहीं करे क्योंकि बहुत रश था, नेक्स्ट डे रश होने वाला था क्योंकि संडे था ना, तो एक दिन पहले ही सब बुक हो गए थे।
और हम लोगों ने फिर इस चीज़ का ध्यान भी नहीं दिया था, ना ही फिर हमने ट्राई करा, क्योंकि हम 2 दिन तो ऑलरेडी घूम ही चुके थे, खूब इंजॉय कर लिया था। इसके बाद फिर से हम लोगों ने प्लानिंग बना ली थी कि घर ही चलते हैं, क्योंकि अगले दिन संडे है तो संडे में बच्चों को भी आराम मिल जाएगा, हम लोग भी रेस्ट कर लेंगे, और फिर क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे मंडे से, तो फिर हम लोग घर की तरफ चल दिए। और बस हमारे 2 दिन की ऋषिकेश की जर्नी बहुत ही अच्छी रही। और ये था बैराज का रास्ता, तो फ्रेंड ये भी बहुत सुंदर जगह है, और दिन में आओ तो बच्चों की अच्छी खासी ट्रिप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स बाहर आ जाते हैं दिन में पानी पीने, मोर वगैरह और हाथी, तो बहुत सुंदर होता है। और नाइट का भी व्यू देख लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस ऐसे ही हमारा टाइम स्पेंड हो गया, रास्ते में भी बातें करते करते हम लोग आए और थके हुए भी हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने नाइट में आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कुछ खिला पिला देते, क्योंकि फिर रात ही हो रही थी, फिर रात में बहुत लेट हो जाता, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए थे एक होटल में। अब हो रहा है रात का टाइम, 9 बज रहा है और डिनर का टाइम हो रहा है, लेकिन डिनर करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, किसी को भी मतलब भूख नहीं लग रही है। शाम के टाइम हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले ली थी, अब किसी को भी भूख नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, कुछ लोग खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन हम मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाएंगे। चलिए सब लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं डिनर पर। क्या मंगाया है? दाल मंगा ली।